हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वर्डप्रेस की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो है आप अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस को कैसे क्रिएट करेंगे, कैटेगरीज को कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, और प्लस ये देखेंगे कि आप नेविगेशन बार को कैसे जो है उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो सीरीज़ है हमारी, इसके अंदर जो है फ्रेंड्स, हम सिर्फ न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट को बनाना सीख रहे हैं। आप जो है इसे देख के जो है अच्छे से किसी भी वेबसाइट को आप बना सकते हैं, आपको आइडिया अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको टूल में आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है हम सिर्फ दो पेज को क्रिएट करेंगे साइट के अंदर, एक होम पेज और दूसरा जो है कॉन्टैक्ट अस पेज। होम पेज पर हमारी जितनी भी पोस्ट होंगी, जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी, उसको जो है हम होम पेज पर जो है शो करवाएंगे और बाकी के लिए हम कैटेगरीज बनाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम न्यूज़ कैटेगरी में उत्तराखंड की कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अपने स्टेट्स वाले सेक्शन में आऊँगा, स्टेट्स पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे मैं उत्तराखंड पे क्लिक करूँगा तो उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं तो सभी की न्यूज़ आ जाएगी। ऐसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की न्यूज़ देखना चाहता हूँ तो उत्तर प्रदेश पे आके क्लिक करूँगा तो उत्तर प्रदेश की सभी न्यूज़ आ जाएगी। क्योंकि न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सब जगह की न्यूज़ मिलेगी और डिपेंड करता है कि आप न्यूज़ कहाँ कहाँ की ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपको जो है एक बहुत सारा जो है एक्सेस यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारा कंटेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग से वर्डप्रेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि इसकी जगह हमें पेजेस को क्रिएट करना है। तो नहीं फ्रेंड्स, पेजेस क्रिएट करने से साइट जो है बहुत ज़्यादा एक टाइम बाद हैवी हो जाती है, खास तौर पर तब जब आपको बहुत सारा काम ऐसा करना हो। दो चार पेज बना के रखने हो, 10-20 पेज बना के रखने हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रेगुलर काम करना पड़ता है, ऐसे न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई, तो इसके लिए आप जो है कैटेगरी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे, टेंशन ना लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फटाफट से जो है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन करते हैं और ये रहा हमारा डैशबोर्ड। तो लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपको साइट दिखा देता हूँ मैं। विजिट साइट पर क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बस थीम को इंस्टॉल किया था, अभी तक हमने इसके अंदर कोई पोस्ट वगैरह ऐड नहीं करी है। अब यहाँ पे जो है हम धीरे धीरे वर्क करके दिखाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इस थीम में बात करूँ तो खाली आपको एक पेज देखने को मिलता है सैम्पल पेज, और बाकी मेरी नेविगेशन बार जो है यहाँ पे एकदम खाली दिखा रही है। तो पहले हम नेविगेशन बार को यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, इसमें दो पेज बनाएंगे और कुछ कैटेगरीज़ को यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए पेजेस में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ऑल पेजेस को भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल पेजेस में सिर्फ अभी दो पेज है और यहाँ पे ऐड न्यू करके हम यहाँ पे दो नए पेज जो है क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे सैम्पल पेज आपको प्राइवेसी पेज देखने को मिल जाएगा, और सैम्पल पेज को फ़िलहाल मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो मूव टू ट्रैश कर दो तो ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पेज का नेम दे देना है, जो भी पेज नेम आप देना चाहते हैं। मैं अपने केस में यहाँ पे होम कर देता हूँ, क्योंकि एक पेज मैं होम पेज के नाम से बनाना चाहता हूँ, और इसको यहाँ पे आप पब्लिश कर दीजिए। अभी हमें कंटेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट जो है हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे पेज पे फिर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, एक नया पेज और बनाता हूँ जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर ऐड टाइटल में आपको नेम लिखना है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से आपको जो है पब्लिश कर देना है। अभी हमें कोई भी कंटेंट जो है इस पेज में ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जो है अपने लेआउट को अपने दिमाग में पहले से रखना है, या तो उसकी रफ़ कॉपी में आप जो है एक पेंसिल से एक या पेन से जो है एक बना के रख लीजिए अपने आइडिया के लिए। तो देख सकते हैं हमारे पास दो पेज आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट अस का और होम का। तो चलिए अब जो है अपीयरेंस सेटिंग्स में चलते हैं और मेन्यू सेटिंग्स पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकिए मेन्यू का स्ट्रक्चर आ गया है। यहाँ पे आप मेन्यू नेम कुछ भी दे दीजिए, आपको जो देना है, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। और जो पेजेस आपने यहाँ पे ऐड किए हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो देखिए होम आ गया हमारे पास और कॉन्टैक्ट्स आ गया। अब इसको अपने हिसाब से जो है आप मैनुअली इसको अरेंज कर लीजिए, आपको कैसे अरेंज करना है। क्रिएट मेन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो है दो नए पेज आ गए हैं, होम का और एक कॉन्टैक्ट्स का। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे दो पेज जो है फ्रेंड्स क्रिएट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें खाली पेज को ही क्रिएट नहीं करना है, हमें इसके अंदर वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को भी ऐड करने हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो है ना आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे
एक तो कैटेगरी आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, इसको आप एडिट कर सकते हैं, और क्योंकि एडिट ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे आप जो है कोई भी कैटेगरी का नाम दीजिए। मैं अभी फ़िलहाल स्टेट्स नाम से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट्स, और स्लग में जो है आप जो मर्जी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं आपके स्टेट से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं स्लग और डिस्क्रिप्शन जो है ज़रूर ऐड कीजिएगा, SEO में काम आता है। तो इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी तो है नहीं, तो इसलिए मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए यहां पे स्टेट्स जो है आ चुका है। अब स्टेट्स के अंदर मैं फ़िलहाल जो है आप सभी को एग्जाम्पल के लिए दो स्टेट जो है यहाँ पर ऐड करूँगा, एक है उत्तर प्रदेश और इसकी पेरेंट कैटेगरी है स्टेट्स, और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ, और दूसरा है उत्तराखंड। तो यहाँ पे उत्तराखंड मैंने बनाया, पेरेंट कैटेगरी स्टेट्स रखी और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेट्स के अंदर दो कैटेगरी बनाई हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स ओवर ऐड करूँगा, जैसे बिजनेस एंड फाइनेंस, यहाँ की इसकी पेरेंट कैटेगरी रखूँगा नन, और यहाँ पर कर दूँगा क्रिएट न्यू। तो देखिए यहाँ पर एक नई कैटेगरी जो है आ जाएगी, और इसी के साथ जो है यहाँ पर मैं एक स्पोर्ट्स का भी लिख देता हूँ, तो स्पोर्ट्स भी दे दिया हमने, इसको भी ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। अब इसके साथ एक बॉलीवुड न्यूज़ वगैरह जो चलती हैं कुछ, मैंने बॉलीवुड का भी एक ऐड कर दिया। ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पेरेंट कैटेगरी क्या है, तो ये आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा समझ में, आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। तो फटाफट अपीयरेंस में चलते हैं, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो हमने कैटेगरीज़ को ऐड किया है इसे हम इस जगह पर ऐड करेंगे नेविगेशन बार में। तो ये देखिए आगे यहाँ पे अगर आप पेजेस में जाएंगे जो आपने पेजेस को क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे पेजेस की इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन हमने कैटेगरी बनाई है तो आपको जो है कैटेगरी वाले सेक्शन में जाना है। तो ये देखिए रहा कैटेगरी वाला सेक्शन, और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो हमने जो है यहाँ पे बिजनेस एंड फाइनेंस, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, इनको आपको जो है मैन्युअली एक एक करके जो है यहाँ पे ऐड करना है। मैं एक एक करके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक ही बार इसको बनाना है, हमें बार बार नहीं बनाना है। तो इसलिए आप जो है पेशेंस के साथ यहाँ पर काम कीजिए। बिजनेस एंड फाइनेंस कर दिया, अब बॉलीवुड को मैंने ऊपर ऐड कर दिया, अब इसके बाद स्पोर्ट्स को भी ऐड कर देता हूँ। तो ऐड न्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, और देखिए स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आ गया है। अब स्पोर्ट्स के बाद जो है यहाँ पे स्टेट्स में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेट नाम की कैटेगरी भी आ जाएगी, और उसके नीचे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गया है। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो स्टेट्स को मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके नीचे जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को ऐड कर दूँगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए इसको सेव कर देता हूँ, और आपको मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या असर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमने इस पर सेव न्यू पे, सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया है, तो हमारा ये डिटेल जो है सेव हो गई है। तो चलिए पेज पे और एक बार इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है हमारे पास पेजेस के ऑप्शन नहीं, अब कैटेगरी के ऑप्शन आ रहे हैं। पेजेस और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए कि आपके सामने जो है इतना सारा जो है डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, उत्तराखंड को मैं यहाँ पे और उत्तर प्रदेश को स्टेट्स के अंदर करूँगा। ऐसे ही आपको अपने न्यूज़ पोर्टल में जितने स्टेट बनाने हैं ना, सभी की लिस्ट आपको इस तरीके से बनानी है, और सेव एज अ सेव मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जितने भी स्टेट्स हैं आप अगर न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल बना रहे हैं, उसमें आपको इस तरीके से सभी स्टेट्स को ऐड कर देना है, ठीक है। अब वापस हम कैटेगरी में जाते हैं। अब हम अपने स्टेट के अंदर, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए तीन तीन डिस्ट्रिक्ट या जो भी तीन तीन शहर हैं उनके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे पहले मैं एक लिख देता हूँ लखनऊ, और इसकी पेरेंट कैटेगरी है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आता है। ये आपको न्यूज़ के टाइम जब पब्लिश करेंगे बहुत हेल्प करेगा। ऐड अ न्यू कैटेगरी पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब सेकंड में डाल लेता हूँ यहाँ पे मेरठ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ मेरठ, और पेरेंट कैटेगरी उत्तर प्रदेश, और थर्ड में यहाँ पर कर देता हूँ नोएडा। तो यहाँ पर मैंने नोएडा कर दिया, और इसको भी आप ऐड करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज़ पब्लिश करेंगे तो सही जगह न्यूज़ जो है पब्लिश होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बारी उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड के अंदर भी हम तीन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं देहरादून, और देहरादून कहाँ है, यह है हमारा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड हमने कर दिया, इसकी पेरेंट कैटेगरी। अब सेकेंड में करता हूँ हरिद्वार, तो हरिद्वार लिख दिया, ये कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में, इसकी पेरेंट कैटेगरी। और लास्ट हम कर देते हैं यहाँ पे रुड़की, तो रुड़की कहाँ पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। अब वापस से जो है अपीयरेंस में चलते हैं, और मेन्यूज़ पे हम क्लिक करते हैं।
अब इसके अंदर जो है हमने जो नए शहर वगैरह ऐड किए हैं, जैसे लखनऊ, ठीक है, मेरठ, गोरखपुर या जो भी शहर हैं, इस तरीके से आपके यूपी की लिस्ट में आप उनको जो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मेरठ और नोएडा, ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने लखनऊ, मेरठ, नोएडा को यहाँ पे आपने कैटेगरी क्रिएट करी है, इसको ऐड न्यू पे क्लिक करके ना आपको इसको उत्तर प्रदेश में नीचे ऐड करना पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में गए और यहाँ से थोड़ा सा आपको अलग हट के जो ऐड कर देना है, लखनऊ भी, मेरठ भी और नोएडा भी। अब ऐसी बारी जैसे हमने उत्तर प्रदेश में किया, यही काम हम उत्तराखंड में करेंगे। ऐसी आपके प्रोफाइल में, आपकी वेबसाइट में जितने स्टेट्स हों सभी में आपको सेम यही पैटर्न जो है फॉलो करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया काम करता है। आपको जब ये वर्किंग में आएगा तब आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कोई ट्यूटोरियल बना के फ़ायदा नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बस उत्तराखंड में हमने देहरादून, हरिद्वार, रुड़की को ऐड कर दिया। अब मैं आपको जो है यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और इसके बाद जो है आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ इसको कि क्या होता है। तो देखिए हमने इसको जो है यहाँ पे सेव कर दिया, तो चलिए पेज में चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने पर आप देखिएगा जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, ये स्टेट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक नई स्टेट्स वाली सेक्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ से गायब हो गई है। तो देखिए स्टेट्स के अंदर आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, नोएडा, आप जिस पे क्लिक करेंगे आपको उस जगह की न्यूज़ देखने को मिलेगी। जैसे उत्तराखंड में मैं देहरादून पे आ गया है, देहरादून पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ देहरादून की ही न्यूज़ मिलेगी। स्टेट्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो सभी स्टेट्स की न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। इससे हमें एक ये एडवांटेज मिल जाएगा न्यूज़ को शॉर्ट करने में। तो देखा फ्रेंड्स, आप सभी ने हमने किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर पेजेस क्रिएट करे, कैटेगरीज बनाई, नेविगेशन बार, मेन्यू बार जिसे हम बोलते हैं, हमने उसको डिज़ाइन किया, प्लस हमने कैटेगरी के अंदर पेरेंट कैटेगरी को कैसे यूज़ किया, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ सकती है कि हमने स्टेट्स के अंदर जो है ये अलग अलग जो ज़िले हैं क्यों ऐड किए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि मैंने उत्तराखंड में देहरादून ऐड किया, अगर मैं देहरादून पे जाके क्लिक करूंगा ना तो सिर्फ देहरादून की ही न्यूज़ मिलेगी मेरे को। ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ इसलिए करी है ताकि जो है जो भी कोई व्यूअर आए हमारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने, न्यूज़ वगैरह पढ़ने, तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वजह से ये सारा डेटा जो है हमने इस तरीके से मैनेज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन बात है कि आप सभी को कॉन्सेप्ट जो है समझ आना चाहिए और आई थिंक जो है आप सभी को ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई अगर आपके दिमाग में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन जो है आप सभी के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कोई वैसी दिक्कत आ रही है आपको बनाने में वेबसाइट वगैरह, और भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो फ्रेंड्स वो भी नीचे मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मैं जो है आप सभी को आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसका सॉल्यूशन भी जो है साथ साथ में देता रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।